आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिहार से आज एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका देशव्यापी असर हो रहा है। ये खबर छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। पहली खबर दरअसल नीट पेपर लीक की है और दूसरी खबर आरक्षण से जुड़ी हुई है। टीवी 9 ने पटना में पेपर लीक की जो बात कही थी उसके सबूत सामने आ गए हैं। और दूसरी खबर आरक्षण के बढ़े हुए कोटे, हाईकोर्ट का फैसला है इस पर। दोनों खबरों पर हमारे साथ पटना और दिल्ली से लाइव इस वक्त रिपोर्टर जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। आरक्षण पर पटना हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है जिससे बिहार सरकार को एक झटका लगा है। बिहार में आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 50% से 65% तक आरक्षण था, लेकिन जो बढ़ा हुआ कोटा है उसका फैसला रद्द कर दिया गया है जो बिहार सरकार ने लिया था। एक बड़ा फैसला था ये आरक्षण के मद्देनजर। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है इससे बड़ा झटका लगा है बिहार के नीतीश सरकार को। रूपेश और ज्यादा जानकारी इस फैसले के बारे में दे रहे हैं। रूपेश, जो एक्सटेंडेड फैसला लिया गया था आरक्षण को बढ़ाने का बिहार सरकार की तरफ से 50% से 65% करने का, इस 15% आरक्षण को रद्द कर दिया गया, हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा अपने फैसले में? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट ने जो कहा है उसमें मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। हालांकि सुनवाई पहले पूरी हो चुकी थी, 11 मार्च 2024 को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया गया और जिसमें बढ़े हुए दायरे को रद्द कर दिया है। और ये जिस तरीके से नीतीश सरकार, तत्कालीन नीतीश सरकार जिसमें महागठबंधन की सरकार थी जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी और उसके पहले प्रधानमंत्री तक एक शिष्टमंडल यहाँ से गया था जिसमें सर्वदलीय शिष्टमंडल था और उसने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद से बिहार ने अपने लिए जातीय जनगणना कराई, उसमें 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए और जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसको लेकर भी बहुत राजनीति हुई कि ये आंकड़ा फर्जी है। विपक्ष ने कहा ये आंकड़ा फर्जी है, इसमें कुछ वर्गों को जानबूझ करके उनके आंकड़े को बढ़ा हुआ दिखाया गया है, खास करके अति पिछड़ा वर्ग का जो आंकड़ा 36% दिखाया गया उस पर बहुत लोगों को आपत्ति थी। लेकिन बिहार विधानसभा में बाजाबता इस पर विशेष बहस हुई। विशेष बहस के बाद एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और उसका आधार ये रखा गया कि चूंकि पिछड़ा और अति पिछड़े की आबादी जो है बढ़ी है, लिहाजा उनको आरक्षण की ज़्यादा सीमा उनको चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग जिन्हें 18% आरक्षण पहले से मिलता था उस दायरे को बढ़ाकर के खासकर 25% कर दिया गया। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को भी बढ़ाया गया। एसटी का जो 1% आरक्षण मिलता था उसे डबल कर दिया गया, यानी कि 2% आरक्षण किया गया। कुल मिलाकर के 15% आरक्षण बढ़ाया गया। फॉर्मूला जो है एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं, ये जो फॉर्मूला था बिहार में 65% का, मैं रूपेश आऊंगी आपके पास, ये फॉर्मूला क्या था? देखिए, इसमें अनुसूचित जातियों को 50%, अनुसूचित जनजातियों को 0.2%, इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण मिल रहा था। इसी ये बिहार सरकार के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कि आरक्षण को था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद संवाददाता रूपेश ने जो याचिकाकर्ता रहे इस मामले में उनसे बातचीत की है, ये बातचीत सुनिए। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी मुख्य याचिकाकर्ता भागवत शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। भागवत शर्मा जी, क्या आपने याचिका दायर की थी, क्यों दायर की थी और आज ये क्या फैसला सुनाया गया है? देखिए, हर चीज़ का एक दायरा होता है और जिस तरीके से बिहार सरकार में बैठे हुए नेताओं ने अपने फायदे के लिए जातीय उन्माद को बढ़ाने के लिए, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए जातीय ये जनसंख्या मतलब वो करवाया, इन्होंने जातीय जनगणना इन्होंने कराया और उसी अनुसार पे वो फर्जी जो आंकड़ा था उसके आधार पे इन्होंने सभी को आरक्षण दिया 75% तक इन्होंने किया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि जिन्होंने कहा था कि 10 साल तक ही आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना चाहिए और ये इन लोगों ने अपने फायदे के लिए आज ये आरक्षण का दायरा बढ़ाते ही जा रहे हैं और समय भी बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, हम आरक्षण विरोधी नहीं है, दलित भी हमारे भाई हैं, पिछड़ा भी हमारे भाई हैं, लेकिन आज जो जहाँ पे आज एक वर्ग को टारगेट करके गाली दी जा रही है उसके नाम लेकर के ही राजनीति की जा रही है बिहार में, तो ये जातीय उन्माद को फैलाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सरकार को ही मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को ही मानने वाले लोग हैं और हम बहुत ही शालीनतापूर्वक और हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन आज जो कोर्ट में पटना हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है ये आज भी ये विश्वास होता है कि न्याय है, जो गलत हो रहा था उसे उसकी सुनवाई हुई है, आज न्याय मिला है, ये बहुत अच्छी बात है और जहाँ भी गलत होगा वहाँ हम लोग लड़ेंगे। और कोर्ट जिस तरीके से आज चीफ जस्टिस भी थे मौजूद वहाँ पर और अच्छा लगा कि सब लोग मिल करके ये अन्याय के खिलाफ सब लोग खड़े हुए और न्याय को बरकरार रखने के लिए सब लोग साथ हैं।